हेलो गाइस, वेलकम टू द संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस दो सेशन में आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया है, उसी तरीके से आज हम और आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, इस पूरे सेशन में मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आपका प्री कम मेंस दोनों का कोर्स कवर होता चले। तो ठीक है, देखिए, जब भी आप प्री के लिए पढ़ेंगे ना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के लिए, तो आप याद रखेंगे कि आप स्टैटिक पोर्शन, जैसे कि किसी प्लेस की मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने लोथल की बात की, तो लोथल में आपका क्या पाया गया है, डॉकयार्ड पाया गया है, ये सब चीज़ें आप याद रखोगे ना। जैसे मैंने अगर कालीबंगा की बात की गई, तो आप याद रखोगे कि कालीबंगा में कौन सा एविडेंस मिला हुआ है, जुता हुआ खेत मिला है, जिसको कि इंग्लिश में प्लॉटेड फील्ड कहते हैं, ये सब चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अपने इस सेशन में कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करिएगा, फिर मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आप उसको लिखिएगा और मुझे टेलीग्राम में अपने आंसर्स भेजिएगा। मैं चेक करके आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके के आंसर्स लिख रहे हो और आप क्या क्या पॉइंट्स उसमें और इंक्लूड कर सकते हो। ये जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, उनमें कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, वो मैंने आपके लिए से डिक्लाइन, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। प्रमुख कारण आपके शहरों की गिरावट के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की गिरावट के लिए क्या था, ठीक है। वहाँ पे आपका दफनाया किस तरीके से जाता था, ब्यूरल कस्टम क्या था वहाँ का, उसको अर्बनाइज क्यों कहा गया है, ठीक है, IVC को, ये चीज़ देखिए, ठीक है। वहाँ पे रिलीजन किस तरीके का था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिविलाइजेशन। अगर मैं हरप्पन सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन कह रही हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो किसी भी चीज़ को ना सिविलाइजेशन कहने के पहले कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना, मेक द फॉर्मैट ना, मेक फॉर्मैट, हाउ टू राइट योर आंसर्स, ठीक है। उस फॉर्मेट को किस तरीके से याद रखोगे, जैसे आप कहोगे कि मैम सिटीज़ है वहाँ पे, ठीक है, तो मैंने कहा चलो वेरी गुड, यू आर टॉकिंग अबाउट द सिटीज़, तो आप सिटीज़ की बात करो, इट्स वेरी गुड, व्हाट वेयर द एविडेंसेस, अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों हम उसको सिटीज़ कह रहे हैं, ठीक है, एक शहर की उपाधि हम उसको क्यों दे रहे हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात हम क्यों करेंगे, कल्चर की, किस तरीके का कल्चर है, क्या राइटिंग है वहाँ पे, सोशल क्लासेस की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, और हम वहाँ की गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, पहले सिटीज़ के डेवलपमेंट के पहले हमने कल आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी, और मैंने आपको क्या बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स मिले हैं वो मेनली आपके बर्न ब्रिक्स हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना ना, अगर कहीं पे लिखा हो कि ओनली द एविडेंसेस ऑफ बर्न ब्रिक्स आर प्रेजेंट, तो ये याद रखना कि बर्न प्लस मड ब्रिक्स, मतलब कच्चे ईंट भी यूज़ किए जाते थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। चलो और क्या बातें याद रखोगे, कल मैंने आपको बताया था ये जो ब्रिक्स है उनको एक दूसरे से किस तरीके से अटैच किया जा रहा है, बाय यूजिंग जिप्सम, ये मैंने आपको कल बताया था, जिप्सम का यूज़ करके। जो भी बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, वो प्लीज़ प्रीवियस क्लास को एक बार देखिए। मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि प्लास्टर्स का भी यूज़ किया जा रहा है, प्लास्टर्स के लिए मेनली दे वे आर यूजिंग द बिट्यूमिनस का वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, थोड़ा सोचो, मैंने आपको ये भी बात बताई थी, जब हम लोग ग्रेट बात की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ब्रिक्स है ना, उनको बहुत टाइटली पैक किया गया है ना, ये सब चीज़ें कल डिस्कस किए थे, और ये ताकि आपका वाटर लीकेज ना हो, हाँ, वाटर के लीकेज के लिए, उसको कि वाटर का लीकेज ना हो, इस वजह से उनको बहुत टाइटली पैक किया गया है, और उनके ऊपर तार नेचुरल तार से कोटिंग की गई है, ठीक है। और बातें क्या की थी मैंने आपको सीटाडेल के बारे में बताया था कि सीटाडेल मेनली क्या था, सीटाडेल आपकी अपर पोर्शन में जो सिटी का जो पोर्शन था वो सीटाडेल था, और लोअर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लोअर सिटी, और सीटाडेल में ही आपके ग्रेनरी थी, जहाँ पे आपके अनाज रखे जाते थे, थ्रेशिंग पिट्स थे, यहाँ पे आपका ग्रेट बाथ भी है आपका मोहनजोदारो में, ठीक है,
ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चलो तो डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें पिक्चर्स के थ्रू। ये आपका मोहनजोदारो का एक एरियल व्यू है, ऊपर से लिया गया एक फ़ोटो है, ठीक है, जिसमें कि आप एक चीज़ देखोगे जो मोहनजोदारो है वो आपका किस तरीके से ऊपर, पहले इस सिटी को डेवलप करने के लिए वेल प्लान्ड वे में इस सिटी को डेवलप किया गया है और इस सिटी को कुछ ऊंचाई पे बनाया गया है। देखो कुछ ऊंचाई पे ये सिटी आपकी बनी हुई है। अब इस सिटी को दो पोर्शंस में आपके डिवाइड किए गए हैं। एक पोर्शन जहाँ पे आपका क्या क्या है, ग्रेट बाथ है, ये आपका ग्रेट बाथ की फ़ोटो है, ठीक है, ग्रेट बाथ है, आपकी ग्रेनरी है, सीटाडेल है, ठीक है, और दूसरा आपका लोअर पार्ट है मोहनजोदारो का। लोअर पार्ट में मेनली क्या है, आपके हाउसेस कंस्ट्रक्ट हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सीटाडेल में क्या क्या चीज़ें थी, तो आप याद रखोगे, अगर पेपर में आप लिखोगे तो यहाँ पे आपके पब्लिक हॉल्स थे, जहाँ पे बोला जाता है दीज पब्लिक हॉल्स मे बी यूज फॉर द मीटिंग पर्पस, मीटिंग के लिए यूज़ किए जाते रहे हों, या माइट बी फॉर द रिचुअल पर्पस, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करना रहा हो उस चीज के लिए यूज़ किए जाते हों। यहाँ पे आपका ग्रेनरी है, जहाँ पे आपके क्या क्या चीज़ें रखी गई, सीड्स वीड्स स्टोर करके रखी गई है ताकि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके पब्लिक में। यहाँ पे आपका ग्रेट बाथ है, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें जो आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर में माइंड में बना के रखोगे। तो चलो इसी तरीके से आप बनावली देखो हरियाणा का। मैंने आपको दिखाया था बनावली में किनारे किनारे इस तरीके से दीवार बना के इस पूरे एरिया को, पूरे सिटी को घेरा गया है। अब ये दीवार किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ की गई होगी, कोई ज़रूरतें हैं ना गाइस, ऐसे तो दीवार बना नहीं दी गई होगी। पहली डिफेंस के पर्पज़ से माइट भी, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ हम और कह सकते हैं, मेनली जो आपके जो हरप्पन साइट्स थी ना, उनको हम इंडस सरस्वती साइट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना इंडस और सरस्वती नदी की अक्रॉस ही ये साइट्स बनी थी, तो हो सकता है फ्लड व्लड से बचने के लिए, ठीक है, या आपके कंक्रीट वॉल से आपके एक सर्टेन एरिया को इसलिए घेरा गया है ताकि आप बता सकें दीज आर अर्बनाइज्ड प्लेस, ठीक है, अर्बनाइज्ड एरिया है ये। तो इस तरीके से चलो ऐसे ही सुरपोडिता का देखो गुजरात में, यहाँ पे भी आपके किस तरीके से वॉल्स बनी हुई हैं ना, वॉल्स बनी हुई हैं, देखो कितना प्यारा। यहाँ पे आप इमेज देखोगे, ये देखो जो ये रोड्स बनी हुई हैं, यहाँ पे आपको ग्रिड सिस्टम दिख रहा होगा ना, दे आर कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर मैं इसी को आपको फोटो नहीं दिखाती और कहती ऐसे कि ये आपका कुछ इस तरीके से रोड्स बनी हुई हैं, ठीक है, कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं ताकि आपके ट्रैफिक ना हो ना। चलो अभी और पिक्चर्स से आपको समझ में आएगा। लोथल अगर गुजरात की बात हम करें, वहाँ पे आपका क्या किस चीज़ का एविडेंस मिला है, यहाँ पे आपका डॉकयार्ड मिला है, देखो डॉकयार्ड मिला है, ठीक है, देखो डॉकयार्ड मिला है, शिप्स हैं, ये देखो ये आपकी बोट्स है ना, बोट्स, शिप्स नहीं बोलना चाहिए, बोट्स है ना, बोट्स। तो ये आपका क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग है। और क्या चीज़ें देखो, ये आपकी एक सील है, ठीक है, एक मोहर है जहाँ पे इस तरीके का आपका बोर्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब बोर्ड्स का यूज़ किया जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग, और लोथल में डॉकयार्ड का एविडेंस है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो अगर हम एक हाउस को देखें, एक हाउस को पढ़ें मोहनजोदारो के, सिंगल एक लार्ज हाउस को स्टडी करें, तो किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट किया जाता था। देखो ये हाउस का आपका ऊपर से व्यू है, यहाँ पे आपको एक पाइप की तरह कुछ दिख रहा होगा। माना जाता है जहाँ पे भी पाइप का एविडेंस है, ये पाइप आपका टेराकोटा का बना हुआ है, मतलब मिट्टी की बनी हुई ये पाइप थी, ठीक है। जहाँ भी पाइप का एविडेंस है वहाँ पे या तो बाथरूम रहा होगा, ठीक है, या तो आपका टॉयलेट रहा होगा, ये बोलते हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट। दूसरी चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं डोर्स भी हैं, ठीक है, डोर्स का यूज़ है। ये डोर्स आपके किसके बने हुए हैं, वुड के बने हुए हैं, ठीक है। आपके कुछ हाउसेज आपके डबल स्टोरी भी हैं, मतलब डबल स्टोरी जैसे आज बनते हैं, डबल स्टोरी हाउस भी हैं आपके। यहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट फोटो में दिखाती हूँ। देखो ये चीज़ समझने के पहले मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम अगर दिखाऊं, देखो इस तरीके से अगर ये आपका एक हाउस बना हुआ था, ये आपका एक हाउस था अगर तुम सोचो, तो इस हाउस के पीछे, हर हाउस के पीछे एक ऐसे नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है, और ये नालियाँ वेल कवर्ड हैं, देखो स्टोन से, देख रहे हो, ड्रेनेज सिस्टम।
भाई जब भी when we will be talking about the urbanization या civilization, you have to write these characteristics ना, आप लिखोगे ये सब चीज़ें ना, तो देखो किस तरीके से कवर की गई है, और कवर ईंटों से की गई है ताकि कभी भी ब्लॉकेज हो, दे कैन रिमूव द स्टोन और वो वहाँ से गंदगी निकाल सकते हैं। अब देखो ये एक बहुत बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम है, ये इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है आर्क शेप में कि यहाँ से एक आदमी अगर घुस के आना चाहे और बाहर जाना चाहे जा सकता है। तो जो छोटी छोटी नालियाँ थी वो एक बड़े ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड थी जो कि पूरे शहर की गंदगी बाहर ले जाता था, ठीक है। और देखो ये मैंने कल आपको दिखाया था मोहनजोदारो में एक टॉयलेट का एविडेंस है, ये टॉयलेट का एविडेंस है, ठीक है, ये टॉयलेट का एविडेंस है। यहाँ पे देखो एक तरीके के आपका ओपन करके रखा गया है ना, तो यहाँ पे जो भी स्लम आपका इकट्ठा हो रहा हो तो उस स्लम से जो भी गैसेस हो वो रिलीज हो सके, ठीक है, इस वजह से प्रॉपर वे में। ये वेल है, कुएं बने हुए हैं, मैंने आपको बताया है, देखो कुएं बने हुए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम घरों की बात करें, हाउसेस की बात करें, तो सारे हाउसेस में वेल का अरेंजमेंट नहीं है, कुछ स्पेशल हाउसेस हैं जहाँ पे वेल का अरेंजमेंट है, मतलब वेल प्रेजेंट है उस हाउस के घर के अंदर आपका वेल बना हुआ है। तो मेनली जो हिस्टोरियंस है वो ये बिलीव करते हैं जो भी रिच सोसाइटी थी आपकी, जो भी रिच लोग थे या जो कि जो भी आपके ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनके घर में, उनके घर के अंदर ही वेल कुआ बना हुआ है, ठीक है। अभी हर चीज़ समझ में आ गई, अभी हर चीज़ समझ करके एक आंसर राइटिंग आपकी तैयार हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था बाथरूम है, ठीक है, बाथरूम है, ठीक है। देखो बाथरूम में मैंने आपको दिखाया था ये रेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रेस प्लेटफॉर्म, ये आपका रेस प्लेटफॉर्म है, ये आपकी एक नाली गई है जो नीचे की तरफ है और इस नाली में इस तरीके का नॉच बना हुआ है। ये नॉच किस लिए बना हुआ है, ताकि कोई भी गंदगी हो ना यहाँ इकट्ठा हो और पानी आपका बाहर निकल जाए। और यही नाली आपका जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी पीछे, एक नाली से कनेक्टेड है, मतलब सबके घर की जो नाली है वो एक सिंगल नाली से कनेक्टेड है और वो नाली जाके एक बड़ी नाली से ड्रेनेज उससे कनेक्टेड है। देखो ये क्या है, कुआं किस तरीके से बना हुआ है ना, ये सब क्या दिखा रहा है गाइस, ये वाटर हार्वेस्टिंग ना, वाटर कंजर्वेशन की भी बात इन्होंने कर दी ना, ईजी एसेस ऑफ द वाटर की बात कर दी ना, कितनी ईजली लोगों को पानी मिल जा रहा है, इन सब चीज़ों की बात की गई है। अब ये देखो जो मैंने आपसे कहा था रोड के बारे में बताया, किस तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, ये स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रीट्स हैं, किस तरीके से स्ट्रीट्स का कनेक्ट, स्ट्रीट्स बनी हुई हैं आपके, रास्ते बने हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एवरी हाउसेज लिखा हुआ, सारे घरों में नहीं, कुछ घरों में आपके बाथरूम तो हैं सब में, लेकिन ओन वेल, ठीक है, कुएं हर जगह नहीं है। मैंने आपको ये भी पिक्चर दिखाई थी कि किस तरीके से आपके डबल स्टोरी घर भी बने हुए हैं ना, ये सब चीज़ें हमने आपसे बात की थी। चलो तो इतनी चीज़ें आपके अगर दिमाग में आई, तो अगर आपको मेंस का आंसर लिखना होगा तो आप किस तरीके से लिखोगे, उसके पहले हम ये भी बात कर लेते हैं ग्रेट बात की। कल मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था, मैम ये बताओ कि मेजरमेंट का कैसे इनको आइडिया है, आपने कहा कि ये 12 मीटर्स है, ये 7 मीटर्स है, ये 2.4 मीटर्स डेप्थ है इसकी, या इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। गाइस एक चीज़ याद रखना, इंडस वैली की जब भी बात करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उनके पास मेजरमेंट टेक्निक्स ज़रूर रही थी ना, मेजरमेंट टेक्निक्स थी उनके पास, ये चीज़ याद रखोगे। मैंने आपको ये भी बताया है दे वे आर यूजिंग द क्यूब्स, क्यूब्स का यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, वेट ले रहे हैं ना, वेट मेजरमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये लोग आपके इसका भी मेजरमेंट करते हैं, ब्रिक्स का, मैंने जब आपको ब्रिक्स दिखाया था बर्न ब्रिक्स लास्ट लेक्चर में, तो मैंने कहा था ब्रिक्स के जो साइजेज हैं, यहीं देखो कहीं और नहीं, यहीं देखो जो ब्रिक्स के जो साइजेज हैं कितने सिमेट्रिक हैं, देखो कितने सिमेट्रिक साइजेज हैं बर्न ब्रिक्स के। अब ये वो किस तरीके से मेज़र करते थे ये वो जानते हैं, लेकिन वहाँ पे मेजरमेंट टेक्निक्स थी उनके पास, ये चीज़ आप याद रखोगे। बहुत से आपके वेट पाए गए हैं, जैसे क्यूब्स पाए गए हैं, कुछ स्केल्स पाई गई हैं, जो कि बताते हैं कि दे वे आर यूजिंग दीज टेक्निक्स टू डू द मेजरमेंट, ठीक है। ज्योमेट्री का भी यूज़ किया गया है वहाँ पे, ज्योमेट्री का यूज़ किस तरीके से किया गया है मैं आपको बताती हूँ। कुछ सील्स ऐसी पाई गई हैं जहाँ पे आपके सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, सर्कल्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दे वेयर अवेयर ऑफ द सर्कल्स जो भी, लेकिन उस समय वो इन सब चीज़ों को किस तरीके से इंडिकेट करते हो ये नहीं पता।
आपके ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब तरीके के सील्स आपको मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें शो करती है कि ज्योमेट्री भी उनको आती थी। ठीक है, चलो इसी तरीके से मैंने आपको ग्रेनरी दिखाया था कि ग्रेनरी में किस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपके रूम्स बने हुए हैं, बीच में आपके एक सेंट्रल पास है, यहाँ पे एयर डक्ट्स बने हुए हैं ताकि जो भी ग्रेन्स यहाँ पे स्टोर किया गया हो वो आपका सड़े ना। ठीक है, अब ये ग्रेनरी का पर्पस क्या था? देखो अभी ना हिस्टोरियंस दे कैन ओनली प्रिडिक्ट, क्यों खाली वो प्रिडिक्शन के बेसिस पे चीज़ें बताते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं ना, जो भी इन्होंने इनके जो लेख हैं उसको अभी भी डिसिफर नहीं किया गया है, जाना नहीं गया कि इन्होंने लिखा क्या था। ठीक है, राइटिंग्स में इन्होंने लिखा क्या है, जिस दिन वो डिसिफर हो जाएगा, जिस दिन लोग वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन हमको हो सकता है बहुत सी जो चीज़ें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बोलते हैं वो फैक्ट्स गलत हो जाए। ठीक है, दीज आर ओनली द प्रिडिक्शंस, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखोगे। तो चलो हम लोग अपने मेन चार्ट के पास चलते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें बात की। जब मैंने आपको सिटीज़ के बारे में बताया तो आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे? कोई मुझे बताएगा आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे? हाँ, हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, रोड्स आपकी बनी हुई हैं ना, अब तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वेल बना हुआ है, आपकी बिल्डिंग्स जो हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं प्रॉपर वे में, प्रॉपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जो कि मेनली आपकी या तो 2-स्टोरी है या तो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, ये चीज़ आप लिखोगे। ठीक है, और क्या लिखोगे, और क्या क्या चीज़ें लिखोगे? आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स भी हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ के बारे में लिखोगे, ग्रेनरी के बारे में लिखोगे। ठीक है, टॉयलेट्स के बारे में लिखोगे, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, देखो टॉयलेट्स के बारे में लिखोगे, वाटर सप्लाई के बारे में लिखोगे। अभी जब हम बात करते हैं जल शक्ति मिशन 2024 या 2000 जल शक्ति मिशन, सबके हर घर नल, हर घर पानी, ये सब चीज़ें जब हम बात करते हैं तो कहाँ यही सब चीज़ें, तो वाटर सप्लाई है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है सब आपका। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिखोगे, ब्रिक्स, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, वेल, प्रॉपर वाटर सप्लाई। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग्स आपकी अच्छे से क्रिएटेड है, ग्रेट बाथ है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग लिखिएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूँ जॉब स्पेसिफिकेशन का, तो आप मुझे बताओगे कि जॉब स्पेसिफिकेशन हम कैसे कहेंगे? मैंने आपसे कहा कि कल मैंने आपको बताया था चांद हुदारों में कि बीट्स इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, बताया था ना, बीट्स इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, लोथल में भी बीट इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, हाँ। ठीक है, फिर आपको कल मैंने बताया था पॉटरीज़ की फ़ोटो दिखाई थी, तो मैंने दिखाया था कितने डिफरेंट शेप में पॉटरीज़ बन रही हैं आपकी। ठीक है, वीविंग हो ही रही है, कपड़े ये लोग पहन ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन ही तो है ना। जॉब स्पेसिफिकेशन लोगों को कुछ लोग तो ये सब काम कर ही रहे हैं ना, ग्रेनरी का स्टोरेज हो रहा है, अगर थ्रेसिंग पिट है तो वहाँ पे भी कुछ वर्कर्स तो होंगे ही ना। चलो अब मैं आपको बात करती हूँ कल्चर पे, कल्चर की जब भी आप बात करोगे कल्चर की, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, कल्चर में क्या क्या चीज़ें लिखोगे? कल मैंने आपको बताया था, सब लिखो ना, कि अगर हम उनको, अगर किसी इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करें तो कल्चर में मैंने आपको बताया था ज्वेलरीज का यूज़ हो रहा है ना, ज्वेलरीज़ का यूज़ हो रहा है, बोथ मेन एंड वीमेन दोनों पहन रहे हैं ज्वेलरीज़ को, काजल का यूज़ ये लोग कर रहे हैं, सिंदूर का ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग डांस परफॉर्म कर ही रहे हैं, डांस हो रहा है। ठीक है, जब डांस है तो मतलब म्यूज़िक भी होगा, इंटरटेनमेंट के सोर्सेज आपके हैं ही हैं, सब लिख डालो ना गाइस, जब हमने इतनी बातें की है, इंटरटेनमेंट के सोर्सेज आपके हैं ही हैं। और क्या लिखोगे इनके, जैसे मैंने आपको प्रीस्ट की फ़ोटो दिखाई थी मैंने, मतलब आपको मूर्ति दिखाई थी। ठीक है, तो उसमें लिखो कि किसने वेल ड्रेसअप है वो, उसके पीस की फ़ोटो में मैंने आपको दिखाया था ऐसे ट्रिफॉल शेप का कुछ, ऐसे ना ट्रिफॉल बना हुआ है, दिखा था ना कल, कुछ याद आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा प्रीवियस क्लास करके आओ, ट्रिफॉल्स की बातें की थी, सब लिखो। ठीक है, अब अगर मैं राइटिंग की बात करूँ मैं तो राइटिंग के बारे में आप क्या बात करोगे? चलो राइटिंग पे आते हैं, सोशल क्लासेस पे आते हैं, सब पे एक एक पे आते हैं, ये फ़ोटोज़ देखते चलो, चीज़ें को रिलेट करते चलो, आप सब लिख लोगे। अच्छा एक मिनट, इस स्लाइड को तुम लोग बात कर लो,
यहाँ पे जो स्लाइड है आपकी, इस पे देखो, इस पे आओ सब लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एडवांस अर्बन कल्चर, ठीक है, सही बात है, अर्बन सेंटर इन द रीजन, ठीक है। When the city, individual home or a group of home obtained the water from the well, well का creation है, ये कुएं बने हुए हैं, ठीक है। Sewerage or the proper drainage है, ये आपको नालियाँ मैंने दिखाई है। Roads were cut at the right angle, मैंने आपको दिखाया ही है। Baked bricks का use किया जा रहा है जो कि proper fixed size के हैं आपके, ये भी चीज़ हमने discuss की है। Use of the stone and woods in the building, मैंने आपको बताया है कि buildings में जो doors बने हुए हैं वो आपके woods के बने हुए हैं, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। टू स्टोरी बिल्डिंग, दो स्टोरी बिल्डिंग्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है। सीटाडेल, सीटाडेल के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि सीटाडेल में मेनली आपके किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है आपके, यहाँ पे आपके ग्रेट बाथ है, ग्रेनरी है, पब्लिक मीटिंग हॉल्स है, और ये एक थोड़ा सा अभी डिबेटेबल है कि क्या वहाँ पे एलाइट पीपल, जो भी अमीर जो लोग थे, रिच लोग थे, जो रिच प्रीस्ट थे, वो लोग शायद सीटाडेल में रहते थे, ठीक है, ये थोड़ा डिबेटेबल है। चलो, फिर मैंने ग्रेनरी के बारे में आपको बताया ही, पब्लिक बाथ के बारे में मैंने आपको बताया ही, मैंने आपको बताया ट्रेडिंग के बारे में ना, ट्रेडिंग के बारे में, जैसे मैंने लोथल जब बताया तो मैंने कहा कि जब पोर्टिया डॉकयार्ड है वहाँ पे एक तरीके की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, ट्रेडिंग हो रही है। कल मैंने आपको बताया था चांदुदारों की जो बीट इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ की जो भी ज्वेलरीज हैं वो आपके मोहनजोदड़ो में भी मिली हैं ज्वेलरीज, मतलब यहाँ से यहाँ पर ज्वेलरीज भेजी जाती थी। फिर आपके कॉटन एंड वूल्स, ठीक है, ऊन और कॉटन का भी यूज़ हो रहा है, लोग कपड़े पहन रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें आप लोग दिमाग में याद रखोगे। चलो, अब देखो, अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, राइटिंग की, ठीक है, राइटिंग की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि आपके इंस्क्रिप्शन सील्स पे मिले हैं लेकिन उनको डिसिफर नहीं किया गया, अभी तक ये जान नहीं पाया कोई, उसको रीड नहीं कर पाया, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म बताया था, बॉस्ट्रोपेडॉन, वट इज़ बॉस्ट्रोपेडॉन, तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम लोग यूजली लिखते हैं इस तरीके से ना, माई नेम इज, ठीक है, डैश आई लाइक टू ईट ना, मतलब हम कुछ इस डायरेक्शन में लिखते हैं, देखो इस डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर हमको अगर नेक्स्ट चीज़ लिखनी होती फिर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन हम जब बॉस्ट्रोपेडॉन की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की होती है राइटिंग आपकी, जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से हम दूसरी लाइन स्टार्ट कर देंगे, ये चीज़ आप याद रखोगे। चलो, मतलब आपके इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखो तुम लोग, और क्या बात याद रखोगे, दूसरी चीज़ आपकी आइवोरी की बात हमने की, आइवोरी मेनली क्या है, आपके हाथी के दांत हैं, ठीक है, हाथी के दांत हैं। फिर मैंने स्टेटाइट स्टोन की बात की थी, ये कुछ टर्म्स है जिसको देख के बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए अलग स्लाइड्स में ये सब बातें की है। आइवोरी स्टेटाइट का यूज़ करके सील्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सील्स बन रही है। सील्स में याद रखना गाइस, गोल्ड की प्लस कहीं एक दो जगह आपके सिल्वर्स की भी सील मिली हुई है, तो अगर कभी भी पेपर में आपके प्रीलिम्स में पूछ ले कि गोल्ड से हरप्पन के लोग, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों को गोल्ड के बारे में पता था या सिल्वर के बारे में पता था, तो उसका आंसर यस होगा, कभी भी नो मत कहना। जब भी हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन, आयरन का एविडेंस नहीं मिला है आपको, ठीक है। कार्नेलियन बीड्स का यूज़ कहाँ किया गया है, ज्वेलरीज को बनाने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। चलो देखो, ज्वेलरीज ये है ना आपकी कार्नेलियन बीड्स, ठीक है, कार्नेलियन बीड से ये आपकी, ये सब चीज़ें आप लोग दिमाग में अपने रखोगे। चलो, ये देखो सील्स, देखो सील्स देख लो, सील्स में क्या दिमाग में रखोगे कि जो सील्स है मेनली उसमें आपके एनिमल का डिपिक्शन किया गया है, कुछ इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट किए गए हैं लेकिन वो डिसिफर नहीं किए गए हैं। यहाँ पे जो पशुपति की सील के बारे में जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सील, ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। ये सील आपके रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सारे शेप्स में आपके मिली हुई है, ये सब चीज़ें आप याद रखोगे। वैसे ही मैंने आपको यूनिकॉर्न सील के बारे में भी बताया था कि यूनिकॉर्न सील को आपकी एक सेक्रेट पूजनीय कुछ सील की तरह देखा जाता है यूनिकॉर्न को, ठीक है। चलो, और क्या चीज़, ये भी मैंने आपको बताया था। हाँ, अब एक चीज़ और, ट्रेडिंग की जब मैं बात कर रही हूँ ना, ट्रेडिंग की मैंने बात की, तो मैंने ट्रेडिंग में तो चलो लोथल बता दिया, वहाँ का क्या बता दिया आपको, पोर्ट बता दिया, डॉकयार्ड बता दिया। अब ना एक चीज़ याद रखना, लापिस लाजूली, लापिस लाजूली,
मेनली आपके अफगानिस्तान में मिलता है, ठीक है। ये आपके हरप्पा में इम्पोर्ट किया जा रहा है, मतलब इसके एविडेंसेस मिले हुए हैं। इसका मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन जो था वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता था, ट्रेडिंग करता था ना। इसी तरीके से टिन भी मिला है, टिन लापिस, ठीक है, लापिस लाजुली। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब नाम देखे, मैम व्हाट इज लापिस लाजुली, तो मैंने कहा चलो फोटो ही रख दो, ठीक है, फोटो ही रख देते हैं, सारी चीज प्रॉब्लम का एंड हो गया ना। चलो इसके बाद आपका नीलम सिल्वर और गोल्ड ये सब आपको मिला है, ये सब चीज़ें याद रखना, ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब ब्यूरियल सिस्टम की बात करें, एक मिनट, जब मैं कल्चर कस्टम की बात कर रही हूँ उसमें आप लोग ये सब चीज़ें लिख सकते हो। कल एक बच्चे ने मुझसे कहा था मैम आपने हिंदी में समझा दिया था दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण, जिसमें मैंने बताया था दाह संस्कार जैसे हिंदू रिलीजन में होता है, जैसे ये देखो ये मटकी रखी हुई है, ठीक है, ये आपका सी वाला जो है ये आपका कालीबंगन साइट है, ठीक है, कालीबंगन में है। इसमें क्या होता था कि डेड बॉडी को जला के एक मट्टी में उसकी राख रख के उसको गाड़ दिया जाता था। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि डेड बॉडी को एज इट इज़ गाड़ दिया जाता था एक ताबूत में रख के, मतलब किसी एक बॉक्स में उसको रख के, डेड बॉडी को ऐसे मोड़ के रख के उसको गाड़ दिया जाता था। देख रहे हो डेड बॉडी इस तरीके से मुड़ी हुई है ना, तो ये आपका मेहरगढ़ का है, ठीक है। एक चीज़ और थी जहाँ पे डेड बॉडी को ऐसे रख के उसके ऊपर एक इस तरीके से ब्रिक्स को रख दिया जाता था, ठीक है। और कहीं कहीं आपको पेयर्स में भी मिली हुई है, लोथल में मेनली आपको क्या है, लोथल में पेयर मिला हुआ है डेड बॉडी का। तो ये सब चीज़ें थी। और मैंने आपको बताया था कहीं कहीं आपको आंशिक समाधिकरण, मतलब कि डेड बॉडी को पहले किसी जानवरों को दे दिया जाता था, जानवर उस डेड बॉडी को खा लेते थे, उसके बाद जो उसका हिस्सा बचता था उसको आप गाड़ देते थे। डेड बॉडीज़ के साथ कुछ पॉटरीज भी गाड़ी गई हैं बहुत सी जगह पर, ये सब चीज़ें याद रखोगे तो। मेहरगढ़ का है, ए एंड बी जो है वो आपका मेनली मेहरगढ़ का है, पिक्चर्स से सब चीज़ समझ में आ जाता है ना। सी में देखो आपके पॉट में रखा गया है ना, ई में देखो आपके क्या है, दो पेयर्स को एक साथ आपके गाड़ दिया गया है। और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बोला जाता है जो भी विमेंस के जो स्केल्टन्स मिले हैं ना उनके साथ एक कॉपर की ऐसे शीशे मतलब मिरर का यूज़ नहीं, कॉपर की ऐसे प्लेट है जिसको कि बोला जाता है माइट बी की विमेंस के लिए एक शीशे का, वो शीशे की तरह वो यूज़ करते रहें उसको, ठीक है। चलो अब मैं रिलीजन की बात करूं। देखो कस्टम्स की बात, कल्चर की बात और रिलीजन भी वहां पे लिखा हुआ था ना, जब मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी। तो रिलीजन में देखो मैंने आपको बताया है कि पशुपति, ठीक है, पशुपति की आपको जो सील मिली हुई है, यहां पे आपके पशुपति ऐसे करके बैठे हुए हैं ना, ऐसे करके यहां पे ऐसे बने हुए पशुपति की सील है। फिर मैंने आपको यूनिकॉर्न की सील बताई है, ठीक है, मदर गॉडेस मिली हुई है आपको, एनिमल वर्शिप है, ठीक है, यूनिकॉर्न देखो यहाँ पे। फिर मैंने आपको एमुलेट बताया है, ठीक है, मिली ताबीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो डिड नॉट कंस्ट्रक्ट टेम्पल, मैंने कहा है कि याद रखना कहीं भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं बताया गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखोगे। कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है, ये चीज़ भी याद रखना, दीज आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हमने आपको बताई है, थोड़ा सा सोसाइटी कल्चर के बारे में अगर हम और बात करें, वेट एंड मेज़र की बात की थी, कल मैंने आपको कुछ क्यूब्स की फ़ोटो दिखाई थी ना, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम ये मेज़रमेंट कैसे किया गया है, उनके मेज़रमेंट का अपना एक तरीका था गाइस, हर जगह आपको एक सिमेट्री दिखेगी। अगर आप उनके कंस्ट्रक्शन को देख रहे हो आपको उसमें भी एक सिमेट्री दिखेगी, अगर उनके वेइंग सिस्टम की बात करें तो उसमें भी आपको वेट सिस्टम का यूज़ किया गया है। वो किस तरीके से इन यूनिट्स को डिसाइड करते थे वो तो अभी नहीं पता लगाया गया है, लेकिन दे वेयर अगर हम बात करें नंबर्स की, ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें हम, कि मेजरमेंट की बात करें, इन सब से वो अवेयर थे, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखोगे, ठीक है, इसमें नहीं कंफ्यूज होंगे। इक्वल स्टेटस टू द मेन एंड वीमेन, अगर हम स्टेटस की बात करें, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों तरीके से देखो बोला गया है कि कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि औरतों को या आदमियों में भेदभाव किया जा रहा है, कुछ नहीं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की गई है, किस तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की गई है, क्योंकि जब हम सिटाडेल की बात कर रहे हैं, देखो अभी यहाँ पे ना प्रिडिक्शन ही किया जा रहा, और लोअर सिटीज़ की, ठीक है, यहाँ पे लोअर सिटीज़ में भी मैंने आपको बताया था दो तरीके के हाउसेज बने हुए हैं, एक डबल स्टोरी बना हुआ है, एक सिंगल स्टोरी बना हुआ है। प्लस मैंने आपको बताया कुछ हाउसेज में वेल हैं, कुएँ हैं, कुछ हाउसेज में कुएँ नहीं हैं। तो जिन हाउसेज में कुएँ हैं मेनली दे वेयर द रिच पर्सन्स माना जाता है,
जिस हाउस में कुएं नहीं है वो एक छोटी क्लास के होंगे, ऐसे डबल स्टोरीज जो लोग रिच लोग रहे होंगे उनके पास रही होगी। सीटाडेल की भी बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा है ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है कि सीटाडेल में शायद कुछ घर थे जहाँ पे आपके प्रीस्ट रहते थे, ठीक है, सोसाइटी के जो रिच लोग रहते थे वो रहते थे। स्पाइनिंग और टेक्सटाइल की बात मैंने आपसे कही है, कॉटन्स का यूज़ हो रहा है। ब्यूरियल की बात मैंने आपसे बताई दी है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेयर पोस्ट एस्ट्रोलॉयड ऑस्ट्रालॉयड्स, ठीक है, मेनली मैंने आपको जब पिक्चर दिखाई थी मैंने आपको बताया था बड़ी बड़ी नाकें हैं, ठीक है, किस तरीके से बड़ी बड़ी नाकें हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं ना, होट वोट बहुत बड़े हैं, जाके देखना, ठीक है। चलो अब आप देखो कुछ करंट के टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इस बार प्रीलिम्स दे रहा है जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर एकदम ध्यान दीजिएगा। अब मुझे लगता है कि अगर आपको ये मेंस का आंसर लिखना होगा तो आप मेंस का तो आंसर लिख लोगे ना, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट होगा ना तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। अगर ये आंसर आपको लिखना होगा एक छोटा सा तो आपके दिमाग में अब पॉइंट्स बन गए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी दिक्कत होती हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आपका डाउट क्लियर होगा। चलो अब थोड़ा सा हम करंट अफेयर जल्दी से देख लें इस सेशन को एंड करने के पहले, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइस करंट में क्या है कि अभी आपके फिनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में, इस साल के बजट में अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट 5 जगह आपकी म्यूजियम इस्टेब्लिश करेगी। एक आपका हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर, शिव सागर, ठीक है, उसके बाद धोलावीरा और अदिचनालूर तमिलनाडु में, ठीक है, और आप क्या याद रखोगे, राखीगढ़ी, इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है ना, राखीगढ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हरप्पन साइट है, तो अब आप राखीगढ़ी को दिमाग में रखोगे। ये किस नदी के अक्रॉस है, सरस्वती रिवर प्लान में है, घग्गर नदी है, ठीक है, हरियाणा में आता है, यहाँ पे आपके क्या क्या चीज़ें मिली है ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखो, गुजरात का लोथल भी याद रखोगे आप, गुजरात का लोथल के बारे में भी ध्यान रखोगे, ठीक है, और क्या याद रखोगे, अभी एक चीज़ और एविडेंस मिला है आपका, ढाबा इन अपर सोन रिवर वैली इन मध्य प्रदेश, जहाँ पे माना जा रहा है आपका कि 80,000 ईयर एगो का ये एविडेंस है आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखोगे, स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ना। अब देखो ये आपका 2002 का एक क्वेश्चन था, लोथल में आपका क्या है, जैसे डॉकयार्ड है, ठीक है, कालीबंगन में आपका क्या है, प्लॉडेड फील्ड है, ठीक है, धोलावीरा में क्या है, मिलियन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट, बनावली में क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखोगे, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अब देखो ये एक क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आपके ग्रेट पैलेस और टेम्पल थे, मैंने आपको बताया नहीं है ना, नहीं है, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। देव वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज, हाँ कह सकते हो, पशुपति की है, मदर गॉडेस की भी है, ठीक है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन कैरियर्स इन द वॉर के अभी कोई भी एविडेंसेस नहीं है, ना ही आयरन के एविडेंसेस है, तो ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्लास आज का हम सेशन यही एंड करते हैं, प्लीज़ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका मेंस और प्री दोनों मैं आपका कवर करूं। अगर किसी भी बच्चे को ना कोई भी दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखोगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे पूछोगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल एक बच्चे ने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि मैम ये सील के बारे में हमको कुछ बता दीजिए, तो मैं आपके डाउट्स भी एक बार ले लूं। अभिषेक ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने बताया था जो ये इम्प्रेशन मिला हुआ है ये किस तरीके से। अभिषेक देखो यहाँ पे एक केस हो सकता है कि बहुत दिनों तक यहाँ पे जो आपका कॉयल शेप का जो बास्केट रहा हो वो यहाँ पे प्लेस्ड रहा हो, ठीक है, वो बास्केट समय के साथ हो सकता है डिस्ट्रॉय हो गया हो, लेकिन उसके जो इम्प्रेशन है इस रॉक पे, इस सरफेस पे आपके एज इट इज़ अभी मिले हैं। इसी तरीके से और भी एविडेंसेस मिले हैं अभिषेक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये देखो लीव ना, ये देखो पीपल के लीव का भी एक इम्प्रेशन आपका इस तरीके से मिला है, ठीक है। चलो और अभिषेक का एक क्वेश्चन था कि मैम ये बताइए ये 1/3 एरिया में कैसे कवर है। अभिषेक इस पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या, दिस इज कवरिंग द 1/3 एरिया ना, ये जो बॉस है आपका ये 1/3 एरिया कवर कर रहा है ना, यहाँ से आपका क्लियर होगा कि दिस इज कवरिंग 1/3 एरिया ना इस सील का। देखो अभिषेक,
अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी अभिषेक तो मुझे मैसेज करना, और मैंने आपको बता दिया जिसके जिसके भी जो भी डाउट्स थे, किसी के और भी कोई डाउट्स रह गए हो तो डू इन्फॉर्म मी गाइस, गुड लक फॉर योर प्रीलिम्स, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए संपूर्ण क्लासेस पे। थैंक यू सो मच।